आपका नया न्यू म्यूजिक एल्बम आया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गाना सब सुने, जहाँ तक रीच हो सब सुने, प्यार दें, अपना मोहब्बत दें और इसे मकबूल बनाएं। सर, हमने देखा कि सिंगिंग के साथ साथ आप एक्टिंग में भी आ चुके हैं, तो ये कौन सा एक नया रोल आपका देखने मिलने वाला है, तो उसके बारे में आप बताइए। ये सिंगर वाली एक्टिंग है, तो ये फिल्म वाली एक्टिंग नहीं है, तो ये एक्टिंग मेरे को लगता थोड़ी इजी है, बिकॉज इसमें डायलॉग्स नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशंस हैं, तो वो भी बहुत मुश्किल थे मेरे लिए, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। और जहाँ जब डायलॉग की बात आएगी तब मुझे लगता है कि ज़्यादा टफ हो जाएगा मामला। सर, पहले तो हम देखते थे कि जितने भी म्यूजिशियंस होते थे, जितने भी प्लेबैक सिंगर्स होते थे, वो सिर्फ म्यूजिक ही गाते थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि उन्हें साथ साथ एक्टिंग भी करनी होती जी। है, तो पहले के मुकाबले ये थोड़ा हार्ड है या अच्छी बात है? ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। पहले के जितने भी म्यूजिशियंस थे, सिंगर्स थे, वो शायद फिल्में भी नहीं देखते थे, तो उन्हें फिल्मों तक लाया गया कि आप फिल्मों में बजाइए, आप फिल्मों में गाइए, क्योंकि संगीत एक अलग ही दुनिया है। लेकिन आज के ज़माने में एक सिंगर को एक्टिंग भी आनी चाहिए, वो अच्छा भी लगना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, अच्छी बॉडी भी होनी चाहिए और प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो आजकल मतलब एक ही शख्स में कई शख्सियत दिखनी चाहिए, ऐसा माहौल है, तो बहुत ही मुश्किल दौर है एक्चुअली, क्योंकि गाना ही अपने आप में इतनी बड़ी एकेडमी है, उसको आप अगर हासिल कर लें तो ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ठीक है, अभी थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा वहाँ से करके अपना कुछ आगे अपने आप को बढ़ाया जा सकता है। सर, इस गाने का नाम है सारा डाउन टाउन, तो इसका क्या क्या टाइटल आपने ऐसे कैसे सोचा? कुछ अलग ये राइटर ने सोचा है, मैंने तो सिर्फ गाया गाना, लेकिन वही है कि लड़की के लिए एक लड़का क्या कर सकता है कि वो उसे अच्छा जगह खाना खिला सकता है, अच्छी जगह घुमा सकता है, प्यार कर सकता है, बात कर सकता है और अपनी अच्छे इमोशन उनको दे सकता है। तो ये सारा डाउनटाउन का मतलब ये है कि सारा डाउनटाउन इन द लॉकडाउन घुमाना। सर, आपके लिए कितना मुश्किल या फिर कितना इजी रहा लॉकडाउन में ये पूरी शूट करना? 2 दिन का शूट था, बट स्टिल मुश्किल तो उनको भी, जिन्होंने परमिशन लेनी थी। मैं पहुंचा जब उन्होंने परमिशन दी, मिली उनको, तो उसके बाद में खाली मुश्किल ये थी कि जल्दी उठना और दिन भर काम करना, चाहे वो इतना ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें जिसमें कि मैं ये कह सकूं कि मैं एक्शन सिक्वेंस कर रहा था या फाइट कर रहा था या फिर धूप में घूम रहा था, बट स्टिल बहुत फोकस की ज़रूरत होती है, बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आई ट्राइड कि कैमरे के सामने मैं अच्छा लगूं और जो भी मुझे रोल दिया है इस गाने में वो मैं ठीक से निभा पाऊँ। सर, इसके बाद आप क्या और भी कोई अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स? हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी सारे सिंगल्स हैं जिसमें मैं खुद ही अपना गाने के साथ फेस दिखाना चाहता हूँ सबको, ताकि लोग मुझसे रूबरू हों और मैं लोगों से अपने रूबरू। सर, आप अगर आप हमारे फैंस के लिए कुछ थोड़ा बहुत गुनगुनाए तो बहुत अच्छा। एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है हाय साद मुरादी सोनी पाबत गुम है। थैंक यू।